हेलो दोस्तों आज हम करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया इन 2022 ओके दो हज़ार बाईस में जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज भारत ने की है वो इंपॉर्टेंट रहेंगी ओके okay, और ये रहेंगी हमारे जून मंथ से लेकर के और दिसंबर मंथ तक ओके okay, लास्ट के जो सिक्स मंथ की जो एक्सरसाइज है वो रहेंगी क्योंकि यही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ओके okay, तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो इसमें आपको मैं बता दूं जो एक्सरसाइज होती हैं ये इनमें क्या है वो कई तरीके की एक्सरसाइज होती हैं ओके एक तो होती है कि जो देश जो है वो खुद से करता है ओके खुद की कुछ जो है खुद की कुछ जैसे इंडियन एयरफोर्स ओके इंडियन एयरफोर्स और जो है आ, सपोज नेवी साथ मिल कर के जो है वो कोई एक्सरसाइज करते हैं या फिर आर्मी लग के और फिर एयरफोर्स लग के एयरफोर्स लग के जो है वो कोई भी एक करते हैं ओके okay, एक हो जाती है फिर बाइलेट्रल बाइलेटरल में क्या हो जाता है बाईलेट्रल बाट्रल में हो जाता है कि दो नेशन ओके okay, जैसे कि इंडिया और जापान हो गया इंडिया और यूएसए हो गया इंडिया चाइना बांग्लादेश ऐसे मिलकर के दो देश मिलकर के बाइलेटरल एक्सरसाइज करते हैं और एक होती है फिर मल्टी जिसमें जो है वो कई देश होते हैं क्या होते हैं कई देश होते हैं तो ये हम हर तरीके की जो है वो एक्सरसाइज इसमें पढ़ने वाले हैं ओके इसमें देखा भी है डोमेस्टिक होता है जो देश में ही रहेगा डाय जो दो देशों के बीच में रहेगा मल्टी जो है इसमें क्या आएंगे जी इसमें मैनी कंट्री जो है वो इंक्लूड हो जाएंगी सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी डोमेस्टिक एक्सरसाइज ओके डोमेस्टिक में देखो क्या आएगा सबसे पहले है गगन स्ट्राइक गगन स्ट्राइक हुई है जी ये इसमें डोमेस्टिक में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है डायरेक्ट आप पे नाम आएगा एक्सरसाइज का और उसके साथ में इंपॉर्टेंट क्या पूछेगा जी आपसे उसका जो है वो प्लेस पूछेगा कि कहाँ पे ये हुई है ओके इस टाइप से जो है हम इसमें पढ़ने वाले हैं इसको ओके सबसे पहले गगन स्ट्राइक गगन स्ट्राइक कहाँ पे हुई है जी पंजाब में हुई है गगन स्ट्राइक आकाश पे स्ट्राइक हुई है पंजाब में उसके बाद पर्वत प्रहार कहाँ पे है लद्दाख में हुई है लद्दाख में क्या है जी हमारा हिमालय है और हिमालय पे ही क्या जाता है फिर ये पर्वत प्रहार जो है ये एक्सरसाइज हुई है उसके बाद है कृपाण शक्ति ओके कृपाण शक्ति कहाँ पे रहेगी वेस्ट बंगाल में रहने वाली है ओके पश्चिम बंगाल में उसके बाद है सुरक्षा कवच सुरक्षा कवच कहाँ रहेगा जी पुणे में कहाँ पे हुई है सुरक्षा कवच पुणे में उसके बाद क्या आता है <coughs> सैन्य रण ये कहाँ पे हुई है जी इंदौर में हुई है सैन्य रण मिलन एक मिलन एक्सरसाइज हुई है आंध्र प्रदेश में कहाँ पे हुई है जी आंध्र प्रदेश में उसके बाद आ जाती है जी एक्स पी एल एक्स पी एल है इसको जो है पश्चिम लहर के नाम से भी जानते हैं पश्चिम लहर के नाम से एक्सपीएल को अरेबियन सी में हुई है ये ठीक है अरब सागर में ये एक्सरसाइज हुई है उसके बाद शत्रुनाश शत्रुनाश कहाँ पे हुई है राजस्थान में जैसे कि राजस्थान के पास, पास क्या पड़ता है जी पाकिस्तान पड़ता है तो वहाँ पाकिस्तान का शत्रु का जो नाश कर दिया तो कहाँ पे हुई है राजस्थान में उसके बाद है समन्वय समन्वय कहाँ पे हुआ है जी आगरा में उसके बाद है प्रस्थान प्रस्थान है, किसने की है ये नेवी ने की है ओके और ये ऑफ एक्सरसाइज है प्रस्थान मतलब कि जैसे कि सपोज यहाँ से ये समुद्र है तो समुद्र के थोड़ा सा अंदर जा करके के ऑफ एक्सरसाइज इसको बोलते हैं तो ये प्रस्थान वहाँ पे हुई है ठीक है अब हम बात कर लेते हैं जी बायलेटरल एक्सरसाइज के बारे में तो अब तक हमने पढ़ी है डोमेस्टिक ठीक है और अब हम कौन सी पढ़ेंगे जी अब हम पढ़ेंगे बायलेटरल मतलब कि जो दो देशों के बीच में एक्सरसाइज होती है ओके सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी इंडिया और यूके की मतलब कि जिसको आप क्या बोलते हो इंग्लैंड जिसको आप बोलते हो उसके बीच में ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे ये मैं बोलूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है सबसे पहले अजय वरियर अजय वरियर कहाँ पे हुई है उत्तराखंड में ये हुई है कहाँ पे हुई है जी उत्तराखंड में फिर है जी कौकण कहाँ पे हुई है मुंबई में कहाँ पे मुंबई में और एक आती है इंद्रधनुष कहाँ पे हुई है यूपी में तो यूके के साथ दो हुई हैं यूके के साथ कौन कौन सी तीन हुई हैं एक तो हुई यूपी में यूके के साथ एक हुई यूके में और एक हुई मुंबई में यूपी में जो हुई है वो है इंद्रधनुष यूके के साथ यूके में जो हुई है उत्तराखंड में जो हुई है वो हुई है जी अजय वरियर और मुंबई में जो हुई है वो हुई है कौन का तो आप ये बात याद रखोगे ओके उसके बाद आता है जी इंडिया और यूएसए के बीच में अमेरिका के बीच में ओके उसके बाद है टाइगर ट्रंप इसमें सबसे पहले यूएसए के साथ किया टाइगर ट्रंप पे हुई है ये विशाखापट्टनम में ये हुई है कहां पे हुई है विशाखापट्टनम में एक संगम हुई थी इसके साथ संगम ये कहाँ पे हुई थी गोवा में एक हुआ था जी युद्ध अभ्यास इन्होंने युद्ध का अभ्यास किया है उत्तराखंड में और एक हुई है वज्र प्रहार ये किया है हिमाचल प्रदेश में तो जो अमेरिका के साथ जो हुई है वो जिनका नाम थोड़ा सा बड़ा है जैसे युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार ये हिमालय के पास हुई हैं उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश में अभ्यास उत्तराखंड में संगम हुई है जी गोवा में गोवा में किस चीज का संगम है जी समुद्र का और धरती का संगम है ठीक है तो वहां पे आप ऐसे संगम याद रख सकते टाइगर ट्रंप कहाँ पे हुई है विशाखापट्टनम है इसको आप जैसे मर्जी याद करो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी ऑस्ट्रेलिया के बारे में ओके ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहली है इसमें अस्त्र हिंद अस्त्र हिंद तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख ए यू एस टी आर ए ये तो ऑस्ट्रेलिया ही है और आगे ये हिंदुस्तान है तो ये कहाँ पे हुई है राजस्थान में ये आप याद रखोगे अस्त्र हिंद कहाँ पे हुई है राजस्थान में पिच ब्लैक कहाँ पे हुई है जी ये ऑस्ट्रेलिया में ही हुई है ठीक है मल्टीलेटल एक्सरसाइज थी इसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी थे और भी दूसरी क्या थे कंट्री थे वो भी मैं आपको बता दूंगा एक हुई है जी काकाडू ये कहाँ पे हुई है ऑस्ट्रेलिया में ही ये हुई है आपको बस इसको ये याद रखना कि अस्त्र हिंद कहाँ पे हुई है जी राजस्थान में राजस्थान में हमारे पास बहुत से अस्त्र हैं और रखने भी पड़ते हैं ठीक है कहीं जो है पाकिस्तान के साथ कुछ जो है वो खटपट ना हो जाए तो अस्त्र हिंद कहाँ पे हुई है राजस्थान में किसके साथ थी ये अस्त्र से याद आ जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से आप याद करोगे उसके बाद इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है सबसे पहले शक्ति ये फ्रांस में हुई है वरुणा अरेबियन सी में गरुड़ा राजस्थान में राजस्थान में एक न एक एक्सरसाइज जरूर हो रही है हर एक देश के साथ याद रखोगे तो फ्रांस में कौन कौन सी हुई है जी शक्ति एक हुई है जी वरुणा एक हुई है जी आपकी गरुड़ा शक्ति कहाँ पे हुई है फ्रांस में ही हुई है वरुणा सी गरुड़ कहाँ पे हुई है जी राजस्थान में उसके बाद है इंडिया ओमान की अल नजाह कहाँ पे हुई है राजस्थान में नसीम अल बहार कहाँ पे हुई है जी ओमान में और राजस्थान में एक और हुई है ईस्टर्न ब्रिज फोर्थ ये कहाँ पे हुई है राजस्थान में ही हुई है आप याद रखोगे दो तीन बार पढ़ोगे तो आसानी से याद रहेगा अब आता है जी हमारे साथ जो बांग्लादेश है हमारा मित्र जो है उसके साथ है सम्प्रीति और बोंगो सागर दोनों के दोनों कहाँ पे हुई है जी बांग्लादेश में सम्प्रीति किसके साथ बांग्लादेश के साथ ये इम्पोर्टेंट हो जाता है मल्टी बाइलेटरल में बाइलेट्रल में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो एक्सरसाइज जैसे सम्प्रीति है डायरेक्ट पूछे कि किस देश के साथ हमने ये काम किया है ये एक्सरसाइज किया है तो याद रखना पड़ेगा समप्रीति और बोंगो सागर ये बांग्लादेश के साथ हुए हैं ये बांग्लादेश में ही हुए हैं ये उसके बाद एक कोरपेट एक कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज है ये कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज है ये ये भी कहाँ पे हुई है ये भी बांग्लादेश में ही हुई है आप ये याद रखोगे उसके बाद है इंडिया और मलेशिया हरिमऊ शक्ति एक शक्ति पहले आई थी फ्रांस के साथ हुई थी जो जो किसके साथ हुई थी फ्रांस के साथ हुई थी शक्ति एक्सरसाइज और फ्रांस में ही हुई थी यह हरिमऊ शक्ति कहाँ पे है मलेशिया के साथ हुई है मलेशिया में ही हुई थी और एक आती है जिसके साथ उदार शक्ति uh उदार शक्ति भी किसके साथ हुई है मलेशिया के साथ ही हुई है फिर आता है इंडोनेशिया के साथ इसमें आती है जी गरुड़ा शक्ति गरुड़ा शक्ति अलग हुई थी गरुड़ अलग हुई थी ये दोनों दोनों अलग अलग हुई थी अलग अलग नाम से इनसे एक का नाम शक्ति था एक का नाम गरुड़ था कहाँ पे हुई थी फ्रांस के साथ ये हुई थी अगर नाम एक साथ है तो इंडोनेशिया में हुई है ओके गरुड़ा शक्ति इंडोनेशिया में उसके साथ बाद है जापान के साथ कौन सी एक्सरसाइज की है वीर गार्जन ठीक है फर्स्ट एडिशन है ये पहली बार किया है वीर गार्जन का एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है कहाँ पे हुई है कर्नाटका में हुई है ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज रहने वाली है क्योंकि पहली बार हुई है वीर गार्जन एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है कर्नाटका में ये हुई है ठीक है उसके बाद है जिमैक्स है जापान इंडिया मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ओके ये नेवी की एक्सरसाइज है ठीक है याद रखोगे आप फिर आ आ जाता है जी कजाकिस्तान कजाकिस्तान में काज इंद के नाम से हुई है कजाकिस्तान और इंडिया ये मेघालय में हुई है याद रखोगे ये उसके बाद है <coughs> और दो हजार में इसको प्रबल दोस्ती के नाम से जो है वो स्टार्ट किया गया था और अब इसका नाम चेंज कर दिया काजिंद के नाम से और कहां पे हुई है मेघालय में उसके बाद वियतनाम के साथ हुई है कुछ एक्सरसाइज जैसे कि विन बैक्स ये कहां पे हुई है हरियाणा में हुई है हरियाणा का जो है वो चंडी मंदिर चंडी मंदिर में ये हुई है विन बैक्स ओके एक अगस्त से लेकर के बीस अगस्त तक ये लिखा है चंडी मंदिर इसकी अगर मैं थीम की बात कर लेता हूँ ये हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए इसका मैं थोड़ा डिटेल करा रहा हूँ थीम क्या है एम्प्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एन इंजीनियर कंपनी एंड मेडिकल टीम एज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन कंटीजेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस ओके तो आप याद रखोगे वियतनाम के साथ विनबैक्स की नाम की विनबैक्स के नाम की एक्सरसाइज हुई है ओके okay. उसके बाद है इंडिया और सिंगापुर इंडिया सिंगापुर में सिंबैक्स, सिंगापुर इंडिया मल्टीलेटरल और एक्सरसाइज जो है हुई है कहाँ पे विशाखापट्टनम में और वॉरियर किसके साथ हुई है सिंगापुर के साथ महाराष्ट्र में सिम्बैक्स और वॉरियर उसके बाद इंडिया नेपाल की सूर्य किरण सबसे पहले सूर्य की किरण कहाँ पे निकल निकलती है नेपाल में नेपाल के साथ एक्सरसाइज सूर्य किरण नेपाल में हुई है किर्गिस्तान के साथ खंजर कैसे किर्गिस्तान कैसे ही खंजर है हिमाचल प्रदेश में ये होती है हिमाचल प्रदेश में इंडिया और रशिया के साथ इंद्र इंद्र हुई है इंद्र में आई एन डी किस में आ जाएगा जी इंडिया में आर ए आएगा रशिया में रशिया में ये हुई है वोस्तोक हुई है जी 2022 में इन चाइना वोस्तोक क्या है ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है इसमें बहुत से देशों ने पार्टिसिपेट किया है इंडिया में भी इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है 2022 की और ये कहाँ पे हुई थी चाइना में ये हुई थी उसके बाद है इंडिया और सेशल में हुई थी ये देश के साथ सेशल देश के साथ लेमित लेमित् हुई थी शेषल के साथ ठीक है शेषल में याद रखोगे लेमित्ती इंडिया और श्रीलंका में मित्र शक्ति याद रखोगे मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका में इंडिया और मंगोलिया की है जी खान ओके खान क्वेस्ट जो है ये कहाँ पे हुई थी जी मंगोलिया में ही हुई है इंडिया और उज्बेकिस्तान ये है जी दस्तलिक और ये कहाँ पे हुई थी उज्बेकिस्तान में ही ये हुई थी अब हम बात कर लेते हैं मल्टीलेटर एक्सरसाइज में जिसमें क्या आएगी मैनी नेशन जो है इसमें क्या करने वाले हैं पार्टिसिपेट करने वाले हैं जैसे कि रिमपैक रिमपैक जो है वो मेनली यू इसको यूएस लीड करता है ठीक है इंडिया की तरफ से जो है आई एन सतपुरा और पी एट्टी वन मेरी पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था ओके रिमपैक उन्नीस सौ इकहत्तर में स्टार्ट हो गई थी उन्नीस सौ इकहत्तर में ये स्टार्ट कर दी गई इंडिया ने सबसे सबसे पहली बार जो है वो 2014 में इसमें क्या किया था पार्टिसिपेट किया था और टोटल रिम्पैक में रिम्पैक में जो है 27 कंट्री अभी जो है पार्टिसिपेट करती हैं फिर आती है जी कोबरा गोल्ड के नाम से और ये एशिया की जो कंट्रीज है एशिया पैसिफिक ठीक है एशिया पैसिफिक की जो कंट्रियाँ हैं एशिया मोस्टली एशिया की जो कंट्रियाँ हैं वो कोबरा गोल्ड में क्या करती हैं पार्टिसिपेट करती हैं उसके बाद है मालाबार इसमें तीन कंट्रीज़ हैं ये इम्पोर्टेंट है जी एक्सरसाइज मालाबार इंडिया है यूएस है और जापान है ओके उसके बाद है जी आई बी समर ये बात आप याद रखोगे साउथ अफ्रीका में ये होती है इनके एक एक नाम से जो है एक एक कंट्री का नाम है जैसे इंडिया है ब्राजील है आई से इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका उसके बाद है जी ओके और उसके बाद फिर क्या आता है जी एक्सरसाइज तो ये है जी साउथ अफ्रीका इंडिया ब्राजील ये होती है जी मैरिटाइम एक्सरसाइज आई बी समर ओके उसके बाद आई एम टी एक्सरसाइज डायरेक्ट आप ऐसे ही याद रखोगे आईएमटी में कौन कौन से देश आएंगे आईएमटी में आएंगे इंडिया उसके बाद है मोजाम्पिकन मोजाम्बियन उसके बाद टीस है टी से तंजानिया ठोके ओके और ये जो है इसका अब की बार दो हज़ार बाईस में ये हुई थी और इसका ये फर्स्ट एडिशन था आई एम टी इंडिया मोजाम्बिकन और तंजानिया याद रखना है तो दोस्तों ये थी हमारी दो हज़ार बाईस की एक्सरसाइज दो तीन बार पढ़ोगे लिखोगे याद करोगे आसानी से याद हो जाएगा ओके थैंक यू